हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स कई दिनों से कह रहे थे कि उन्हें सर्कल का वन शॉट चाहिए, तो मैं पहले सर्कल का वन शॉट लेकर आ गया हूं। पाइथागोरस थ्योरम, कंस्ट्रक्शन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बाद में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं बनाऊंगा बिकॉज 6.1 एक ही एक्सरसाइज है दैट यू कैन मैनेज। सोच रहा था कंस्ट्रक्शन का भी ना बनाऊं, बट मैंने एक कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम और कंस्ट्रक्शन दोनों का वन शॉट बनाऊं, या सिर्फ पाइथागोरस का बनाऊं, या सिर्फ कंस्ट्रक्शन का बनाऊं, या दोनों का ना बनाऊं, क्योंकि पाइथागोरस को ऑलरेडी अवेलेबल है। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि बोर्ड इतना ही आ रहा था, तो जिसके वजह से कुछ आंसर्स यहां तक नहीं मिले थे उनको, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस वीडियो में, तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिए कि मैं बनाऊं या फिर ना बनाऊं फाइनल डिसीजन, ताकि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना सकूं और फटाक से ये खत्म हो सके। फिलहाल चैलेंजिंग क्वेश्चन अब फरवरी तक तो जाएंगे ही, बट डोंट वरी, मिल जाएंगे, ठीक है, मिलेगा सब, भले थोड़ा सा लेट मिले, उतना ज्यादा लेट भी नहीं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले सर्कल का, होता है सर्कल ऐसा दिखता है, सर्कल ऐसा तो नहीं दिखता है, अरे ऐसा दिखता होगा, हाँ ऐसा कुछ दिखता है वो, ठीक है। तो सर्कल के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर। सर्कल के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। समझ लो इसका नाम है ओ। अगर इस सेंटर से मैं एक लाइन खींच के सर्कल के एक आर्क पर मैं ज्वाइन कर दूं, एक सर्कल जो होता है वो कई सारे आर्क से बनता है। जैसे आप राउंडर से ऐसा एक आर्क मारते हो ना, इसी आर्क को अगर लगातार मारते जाओगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो अगर इस सेंटर को मैं एक आर्क से ज्वाइन कर दूं, तो जो लाइन बनेगी, जो सेगमेंट बनेगा, उसको मैं बोलता हूँ रेडियस। और अगर इस सेंटर से उसी रेडियस को मैं एक्सटेंड करके इस तरफ भी ज्वाइन कर दूं और ये सेंटर से पास हो, तो इसे मैं बोलूंगा डायमीटर। क्या बोलूंगा? डायमीटर। और फिर उसके बाद अगर ये जो लाइन है वो सेंटर से ना जाके ऐसी चली जाए, या ऐसी चली जाए, या ऐसी कहीं से भी, तो इसको मैं बोलूंगा कॉर्ड। क्या बोलूंगा? कॉर्ड, ठीक है। तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे, और ये सिर्फ एक सर्कल है, और इसी सर्कल पर कितनी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है, बट सब कुछ कर ले जाओगे, ठीक है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने प्रॉब्लम सेट को नहीं लिया है, बिकॉज आई एम नॉट अ रोबोट। आप मेरा वॉलेट टेस्ट करवा सकते हो, आई एम नॉट अ रोबोट वाला, बिकॉज अगर मैं प्रॉब्लम सेट भी इसमें इंक्लूड करता तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाती, यू कैन अंडरस्टैंड, जानती हो कितने सारे क्वेश्चंस है उसमें, ठीक है। तो एक घंटे में ना कंप्लीट हो गए, उसमें दो घंटा डेढ़ घंटा लग जाता, जो कि मैं नहीं चाहता था, ठीक है। एक घंटे में सारे प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। बड़ों वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बच्चों वाले कॉन्सेप्ट है। अब थोड़े बड़ों वाले कॉन्सेप्ट पर भी हम लोग नजर डालते। तो एक सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया विथ सेंटर ओ, यहाँ से मैंने एक लाइन पास कर दी, तो जो भी लाइन सर्कल के आर्क को टच करते हुए जाती है दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। जो लाइन सर्कल को अंदर से काटती हुई चली जाए उसको हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं उसको? सीकेंट। जो लाइन सर्कल को टच करके पास करे उसे बोलते हैं टेंजेंट। अगर मैं यहां से एक रेडियस बना दूं इस टेंजेंट के ऊपर, ठीक है, अगर मैं यहां से एक रेडियस बना दूं इस टेंजेंट के ऊपर, तो फॉर्मूला ये कहता है, थ्योरम ये कहता है कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा ही होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है, तो ओ ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट एल पे। टेंजेंट को एल एम ऐसे नाम से डिनोट करते। तो ये हमारा थ्योरम कौन सा है? ये थ्योरम है टेंजेंट थ्योरम। कौन सा थ्योरम ये कहता है? ये कहता है हमारा टेंजेंट थ्योरम कि जो रेडियस होगा वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा ही होगा, ठीक है। और इसका कन्वर्स भी है। इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, ये टेंजेंट है। ये इसका कन्वर्स कहता है, ठीक है। इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर ये एंगल 90, लिख देता हूं कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, मैं पहले 3.1 के थ्योरम बता रहा हूं। तो इसका कन्वर्स क्या कहता है? अगर एंगल ओ ए बी, सपोज यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे सी है, अगर एंगल ओ ए बी जो है वो 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, तो जो लाइन होगी, जो लाइन एल होगी, वो क्या होगी? वो टेंजेंट होगी। अगर ये 90 डिग्री नहीं है वो, तो वो टेंजेंट नहीं होगी। ये कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम कहता है। दो थ्योरम समझे, एक और समझ लो। सपोज मैंने यहाँ पे एक और टेंजेंट, सॉरी नहीं समझा सकता, मिटाना ही पड़ेगा। आइए और बात करते हैं सर्कल पे। सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया विद सेंटर ओ, यहाँ से मैंने एक टेंजेंट पास किया और एक टेंजेंट मैंने यहाँ से पास किया।
तो जो टेंजेंट होता है उसकी जो मेन डिस्टेंस होती है वो यहाँ से इस रेडियस तक ही होती है। सपोज यहाँ पे एक रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियस है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कोई भी टेंजेंट रहने दो, उसकी जो असली लेंथ होगी वो यहाँ से यहाँ तक ही होगी। ऐसा नहीं होगा ये पूरी टेंजेंट की लेंथ है, नो, दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ओनली। ठीक है, सपोज ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ऑलरेडी ओ है, तो इसको क्यू कर दो। तो जो भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा एक सर्कल पे, ठीक है, आउटसाइड द पॉइंट से तो अक्सर दो ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, बट जो भी हो जितना टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो टेंजेंट हमेशा कॉन्ग्रेंट लेंथ का हो। ठीक है, मतलब टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, इसका नाम क्या है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि लेंथ ऑफ ऑल द टेंजेंट ऑन द सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, मतलब डायरेक्ट लिखता हूं, लेंथ ए क्यू जो होगा वो इक्वल होगा लेंथ ऑफ क्यू बी। ठीक है, ऐसा ये हमारा थ्योरम कहता है। कभी भी आप लोगों को एक टेंजेंट की लेंथ दे दे 8 और पूछे दूसरा टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलोगे 8। कैसे पता चला, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से। तो ये लास्ट थ्योरम था 3.1 के लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज को अच्छे से शुरू कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको, और भी पिछले साल की चीजें यूज हुई हैं तो मैं उसको भी बता देता हूँ, जरूरत तो नहीं है बताने की बट फिर भी बता देता हूँ। देखो, पिछले साल हम लोगों ने एक आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम सीखा था, आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम, बट आप लोगों ने पिछले साल तो कुछ अच्छे से पढ़ा नहीं, कुछ मालूम है नहीं। आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से अगर एक ट्रायंगल आइसोसेलस है, मतलब एबीसी अगर आइसोसेलस है, तो इसके जो एंगल होंगे ना वो भी इक्वल होंगे। आइसोसेलस मतलब उसकी दो साइड इक्वल, तो वो जो दो साइड इक्वल होगी उसके सामने सामने के एंगल भी दोनों इक्वल होंगे। ये हमारा आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम कहता है। ये काफी यूज हुआ इस चैप्टर में, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इफ साइड ए बी कॉन्ग्रेंट टू साइड ए सी, या फिर लिख सकते हो इफ ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस ट्राइंगल देन, तो क्या होगा, तो जो एंगल बी होगा वो भी इक्वल होगा एंगल सी के। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये दोनों कितने कितने हो जाएंगे, ये दोनों 45-45 हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए ये थ्योरम, आप शुरू कर सकते हैं एक्सरसाइज। तो फटाक से फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक सर्कल बना हुआ है जिसका रेडियस है 6। रेडियस तो दिख ही नहीं रहा है, बना देते हैं, दिख जाएगा। अब दिखा रेडियस, इसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला है एंगल सी ए बी कितना होगा। अच्छा, ध्यान से देखो, सी ए क्या है, रेडियस, ए बी क्या है, टेंजेंट। रेडियस टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। कैसे पता चला, टेंजेंट थ्योरम से। ठीक है, यहाँ पे लिखो सेगमेंट सी ए इज द रेडियस, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट, इज द टेंजेंट, therefore directly लिखो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थियरम। ठीक है, बाय टेंजेंट थियरम, टेंजेंट थियरम के हिसाब से एंगल सी ए बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, बात खत्म। फिर अगले वाले में पूछा है कि ए बी लाइन की जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कितनी दूर है। अरे सीधा दिख रहा है 6 सेंटीमीटर दूर है, बट इसको लिखेंगे कैसे, सेकंड वाला यहां लिखता हूं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, उसमें देखो वाई भी पूछा है। ठीक है, तो वाई का जवाब यहां मिल जाएगा जब ये रेडियस लिखोगे। ठीक है, और ये टेंजेंट है कैसे पता चला, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब ए बी टेंजेंट है। ठीक है, और टेंजेंट की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस से, मतलब टेंजेंट की जो डिस्टेंस होती है सेंटर से वो रेडियस के ही इक्वल होती है। ठीक है, तो जब रेडियस लिखो तो यहां डाल देना बाय कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, इसमें आपका भाई का जवाब हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। तो रेडियस कितना है, 6, तो हो गया काम। फिर थर्ड वाले में बोला है डिस्टेंस ए बी अगर 6 सेंटीमीटर है तो बी सी कितना होगा, डिस्टेंस ए बी अगर 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी अगर 6 सेंटीमीटर है तो बी सी कितना होगा, दिख तो नहीं रहा है, देख लो, दिख जाएगा, मन की आंखों से देखो। ठीक है, तो इन ट्राइंगल सी ए बी जो एंगल ए है वो 90 डिग्री है, जो ए सी है वो 6 है, जो ए बी है वो 6 है, तो सी बी कितना है ये पता करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो सी बी स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना है, ए सी 6 है, ये भी 6 है, 6 को ले लिया कॉमन, रूट में बचा 1+1, तो वैल्यू आ गई 6√2। ठीक है, इस पे ज्यादा मत जाओ, आप लोग नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। तो ये आपकी सी बी की वैल्यू आ जाएगी 6√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको छाप लो फटाफट, फिर फोर्थ वाला करते हैं। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी,
एंगल एबीसी कितना होगा? तो अभी मैंने आपको आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम बताया। आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम देखो, सीए भी 6 है, एबी भी 6 है, ठीक है। लेंथ ऑफ सीए जो है वो इक्वल है लेंथ ऑफ एबी के, ठीक है। ईच 6 सेंटीमीटर, ईच कितना 6 सेंटीमीटर। अगर दोनों की साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल है, तो बाय आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम जो इसका एंगल होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल एसीबी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल एबीसी के, इसको ले लेते हैं एक्स, ठीक है, बाय आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम। ऊपर लिख दिया तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों को हमने मान लिया एक्स, पूरा ट्रायंगल कितने का होता है 180 डिग्री का। तो इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, आप लोग तीन लेटर में लिखना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए कितना है? एंगल ए है 90, एंगल बी एक्स, एंगल सी एक्स इज इक्वल टू 180। तो 2x plus 90 is equal to 180, तो 2x is equal to 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, मतलब x कितना है 45 है। अगर x 45 है तो ABC भी 45 डिग्री होगा, बात खत्म, कर लो इसको। चलिए सेकंड वाला फिगर ऐसा बना हुआ है, उसमें बोला है एक लाइन ड्रॉ की गई मिडल से जो 10 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 5 है, ठीक है। तो इसका रेडियस तो दिख नहीं रहा है, तो मन की आंखों से देख कर बना लेते, ये हो गया 5 और ये भी हो गया 5। अच्छा, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये एंगल 90 और ये एंगल 90। आफ्टर दैट इसमें बोला है कि लेंथ कितनी होगी हर एक टेंजेंट की, मतलब हमें एनआर फाइंड करना है, एमआर फाइंड करना है। अगर एक मिल गया तो दूसरा भी उतना ही होगा बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। सो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल एन ओ आर, एंगल नीचे लिखता हूँ, एंगल ओ एन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे पता चला? बाय टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। रीजन देते रहना हर पॉइंट पे, वरना आधा 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 करके पूरा मार्क्स उड़ा लेंगे। फिर यहाँ पे ओ एन 5 है, ओ आर 10 है, ठीक है। तो एन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस, सॉरी पाइथागोरस उल्टा मैं लिख रहा था, ये 90 है तो ये हाइपोटेनस होगा, तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर। यहाँ पे रीजन डालोगे बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, यू शुड राइट फुल फॉर्म, ओके। तो ये 10 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये एनआर का स्क्वायर, तो 100 इज इक्वल टू 25 प्लस एनआर का स्क्वायर, ठीक है। 25 यहाँ के माइनस होगा तो इज इक्वल टू एनआर का स्क्वायर, और रूट ले लोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5√3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, सेंटीमीटर बोला है। तो अगर ये 5√3 सेंटीमीटर है तो देयरफॉर एमआर कॉन्ग्रुएंट टू एनआर, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, देयरफॉर एमआर भी कितना हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट वाले में बोला है मेजर ऑफ एंगल एमआरओ कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ना लगाने की जगह मैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री लगाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपो, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसा हम लोगों ने मान लिया कि एंगल आर 30 डिग्री है, ठीक है, अज्यूम किया है। अब साइड अपोजिट टू, अगर ये 30 डिग्री है तो इसको अपोजिट ओएम है, ओएम इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेनस, कौन है, ओ आर है, ठीक है। 90 के सामने हाइपोटेनस, तो ये कितना है 5 है, 1/2 इंटू ओ आर कितना है 10 है, काटोगे तो 5 इज इक्वल टू 5, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और अगर दोनों इक्वल आ गया देयरफॉर हमने जो अज्यूम किया था वो सही है, अवर अजम्पशन इज करेक्ट, ठीक है। हमारा अजम्पशन क्या है, करेक्ट है, देयरफॉर एंगल एमआरओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। और अगर एंगल एमआरओ 30 डिग्री है, ठीक है, तो सिमिलरली ये देखो, आप लोग इसको अजम्पशन की जगह साइन थीटा से भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है, या फिर डायरेक्टली लिखता हूँ, लेट एंगल एमआरओ इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट कितना है 5, हाइपोटेनस कितना 10, तो 5/10 हो जाएगा 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की, ठीक है। देयरफॉर दोनों 1/2 है, तो इसका मतलब थीटा 30 डिग्री है, ठीक है। तो आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी करते हो, ठीक है। अब अगर एमआरओ 30 डिग्री मिला है तो आप लोग फाइंड करोगे तो एनआरओ भी 30 डिग्री ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो सिमिलरली एंगल एनआरओ इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, ये भी 30 डिग्री है, तो दोनों को ऐड कर दो, एंगल एम आर एन इज इक्वल टू एमआरओ प्लस एनआरओ, किसको मारो,
तो हो जाएगा 30 + 30 = 60 degree। हो गया तीनों आंसर। यहां पे लिख सकते हो एंगल एडिशन पॉस्टुलेट या फिर प्रॉपर्टी, पॉस्टुलेट की जगह प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, एंगल एडिशन पॉस्टुलेट, छाप लो इसको। थर्ड वाले में हमें प्रूफ करना है कि सेगमेंट OR जो है वो बाइसेक्ट कर रही है MRO को भी और NRO को भी, ठीक है, यही प्रूफ करना है ना? नहीं नहीं, हमें प्रूफ करना है वो MRN को बाइसेक्ट कर रही है और साथ ही में वो बाइसेक्ट कर रही है MNO को भी, MON को भी, ठीक है। मतलब ये जो लाइन जा रही है ये दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इसको भी कर रही है इसको भी कर रही है। सो इनडायरेक्टली हमसे ये पूछ रहा है कि तुम प्रूफ करो कि एंगल MRO जो है वो एंगल NRO के कॉन्ग्रेंट है और साथ ही में प्रूफ करो एंगल MOR जो है वो NOR के कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। एंगल MRO NRO के इक्वल है और MOR NOR के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अगर ये प्रूफ हो गया तो बाइसेक्ट तो हो ही जाएगा अपने आप। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग? यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट ईयर थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी, नहीं याद है कोई फायदा नहीं है। फिर लिखो यहाँ पे इन ट्राइंगल MON एंड ट्राइंगल सॉरी MOR, दो ट्राइंगल कौन सा लेंगे MOR और NOR, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो तो सेगमेंट OM और सेगमेंट ON दोनों के दोनों रेडियस है, दोनों के दोनों क्या है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, तो मतलब दोनों की लेंथ इक्वल होगी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल दोनों की लेंथ इक्वल। अब उसके बाद यहाँ पे OR दोनों में OR तो सेगमेंट OR कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट OR, क्या है ये है कॉमन साइड, क्या है ये है कॉमन साइड, ठीक है। अब इसके बाद NR और MR भी इक्वल होंगे, पूछोगे क्यों? क्योंकि दोनों क्या है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से टेंजेंट है दोनों, तो बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम तीन साइड इक्वल मिल गई ना तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्राइंगल MOR कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल NOR, ठीक है। डॉट 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 करके लिख दो बाय SSS टेस्ट, ठीक है। अब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे, तो देयरफॉर एंगल MRO कॉन्ग्रेंट टू एंगल NRO, एंगल MOR कॉन्ग्रेंट टू एंगल NOR, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे CACT करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, बुक में लिखते चलो फटाफट। और अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है तो प्रूफ तो हो गया है ना, दोनों इक्वली बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो देयरफॉर रे ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल MRN एज वेल एज एंगल MON, ठीक है, छाप लो इसको। चलिए फिफ्थ फोर्थ वाला करते, फोर्थ वाले में देखो आपको पहले प्रूफ करना होगा कि जो डिस्टेंस होगी दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में, समझ लो यहाँ पे एक टेंजेंट है और एक टेंजेंट यहाँ है, तो जब भी दो टेंजेंट पैरेलल होते हैं ना तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डायमीटर के इक्वल होती है, ठीक है। ये बात आपको पहले प्रूफ करनी होगी, फिर आंसर तो सीधे सीधे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है अगर रेडियस 4.5 है, इसको मैं काश अंडू कर सकता तो पहले जैसा ही रहने देता, चलो ठीक है जैसा भी है ठीक ठाक है, ठीक है। रेडियस 4.5 है तो पता करो कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी और जस्टिफाई भी करो, जस्टिफाई नहीं लिखा होता तो डायरेक्टली हम लोग लिखते द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इज इक्वल टू डायमीटर, किसके इक्वल होता है डायमीटर के, डायमीटर किसके इक्वल होता है दो गुणा रेडियस, रेडियस कितना है 4.5, आंसर कितना आएगा 9 सेंटीमीटर, खत्म। लेकिन जस्टिफाई का क्या करें, जस्टिफाई के लिए आप लोग बनाओगे ये डायग्राम और पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, यहां तक जब तक प्रूफ नहीं हो जाता है कि ये सर्कल का डायमीटर है, यहां से लेके यहां तक सॉल्व करोगे एंड आफ्टर दैट यू विल राइट दिस स्टेटमेंट, आंसर विल बी डायरेक्टली गिवन, ठीक है। एग्जाम में तो वैसे ही क्वेश्चन दो नंबर का आएगा और आपको सिर्फ इतना लिखना रहेगा, ये लिखने की झंझट नहीं रहेगी क्योंकि दो नंबर में ये सब नहीं लिखना है, ठीक है, जस्टिफाई करके वहां पे नहीं आएगा। चलो 3.1 खत्म। चलिए 3.2 का आप लोग बहुत ही इजी है, जानते होगे सब कुछ, फिर भी बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे एक सर्कल है, सपोज यहाँ भी एक सर्कल है, दोनों सर्कल बाहर बाहर से टच कर रहे हैं, ठीक है। एक सर्कल का सेंटर यहाँ, एक सर्कल का सेंटर यहाँ, दोनों को दिया मैंने जोड़ ओपी, ओवरपावर्ड ओपी, ठीक है, जैसे हमारा थंबनेल कुछ दिनों ओपी चला था, तो सेंटर से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, पहला रेडियस और दूसरा रेडियस को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगी। तो जब भी, ठीक है, जब भी व्हेन जब सर्कल्स आर टचिंग, जब भी सर्कल बाहर बाहर से एक्सटर्नली मतलब बाहर बाहर से टच करेंगे, तो जब उनके बीच की डिस्टेंस होगी
द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी आर वन प्लस आर टू के। याद रखो, बाहर बाहर से टच करेंगे तो जोड़ दोगे, अंदर अंदर से टच करेंगे तो फोड़ दोगे, मतलब अंदर अंदर से टच करेंगे तो माइनस कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इंटरनली टच कर रहे, तो बहुत ही बढ़िया सा फैन बन गया गांव वाला। यहाँ पे बड़े सर्कल का सेंटर है और यहाँ पे छोटे सर्कल का सेंटर है, तो इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, आप ही ध्यान से देखो, बड़े सर्कल का रेडियस ये है, छोटे सर्कल का रेडियस ये है, तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तभी तो ये मिलेगा, ठीक है, कॉमन सेंस है। तो व्हेन सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, जब भी सर्कल्स इंटरनली टच करेंगे, तो द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी इक्वल टू आर वन माइनस आर टू, और यू कैन राइट इट इन अ मॉड। मॉड में क्यों लिखना है, ताकि आंसर नेगेटिव आए तो वो पॉजिटिव हो जाए, बिकॉज यू नो दैट द डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। मॉड में नहीं लिखना है तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना, ठीक है, सीधा मेथड। चलो कर लो इसको। जैसे पहले क्वेश्चन में बोला है दो सर्कल्स है, एक का रेडियस है 3.5 और एक का रेडियस है 4.8, अगर दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं तो उनके डिस्टेंस कितना होगा सेंटर्स का, इंटरनली टच कर रहे हैं मतलब माइनस द डिस्टेंस, पूरा आपको स्टेटमेंट लिखना है, टू सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली विथ रेडियस 3.5 एंड 4.8, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, देयर सेंटर्स will be equal to mod of R1 minus R2, or you can write R2 minus R1. Mod इसलिए लगाया क्योंकि 3.5 में से 4.8 minus करोगे तो minus 1.3 आएगा, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, और बड़े में से छोटे को घटाओगे तो जरूरत नहीं है ना, दोनों मेथड से कर सकते हो, जो भी इजी लगे उससे करो, ये वाला फॉलो कर लेना और बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपके स्कूल में ऐसा ना बताया गया हो। फिर सेकंड वाला करते, सेकंड वाले में बोले दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे, एक का रेडियस है 5.5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, तो द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, बाहर से टच कर रहे हैं मतलब दोनों को ऐड करना है, आर वन प्लस आर टू, 5.5 प्लस 4.2 वैल्यू विल बी 9.7 सेंटीमीटर। थर्ड वाला भी कर लो, थर्ड वाले में बोला है दो सर्कल है जिनका सेंटर मतलब रेडियस जो है वो 4 है और 2.8 है, दोनों में फाइंड करो, इंटरनली टच कर रहे तो भी, एक्सटर्नली कर रहे तो भी, तो अगर इंटरनली कर रहे तो माइनस कर दो, है ना, आर वन माइनस आर टू कर दो, मतलब 4 माइनस 2.8 विल बी 1.2 सेंटीमीटर, एंड इफ दे आर टचिंग एक्सटर्नली देन वी हैव टू ऐड, ऐड करोगे तो क्या आएगा, आर वन प्लस आर टू, 4 प्लस 2.8, ठीक है, 4 प्लस 2.8 वैल्यू विल बी 6.8 सेंटीमीटर। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इनका डायग्राम भी हमें ड्रॉ करना है, इनका फिगर भी ड्रॉ करना है, तो फिगर कैसे ड्रॉ करोगे, देखो फिगर ड्रॉ करना मैं बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले राउंडर में जब इंटरनली बना रहे हो तो सबसे पहले राउंडर में आपको 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना लेना है, जब इंटरनली बना रहे हो तो, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर मतलब स्केल में 4 सेंटीमीटर राउंडर में मेजर किए, घुमा लिए, आफ्टर दैट 2.8 सेंटीमीटर मेजर करो और यहाँ पे सुई रखो, आगे बढ़ाते जाओ, तब तक आगे बढ़ाते जाओ जब तक पेंसिल इसके आर्क को ना टच करे। सपोज ये ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे, यहाँ पे आपकी सुई है और ये आपका आर्क है, मतलब पेंसिल है जो टच कर गया है, तो यहाँ से आप वो सर्कल बना दो, ये आपका इंटरनली बन जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होगी। आफ्टर दैट एक्सटर्नली बनाना है तो बहुत ईजी है, पहले 4 सेंटीमीटर का बना लो, आफ्टर दैट यहाँ पे राउंड रखो और तब तक आगे लेकर आओ जब तक ये सर्कल के आर्क से टच ना करे, सपोज यहाँ पे टच कर गया तो ऐसा घुमा दो, खत्म, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लो। तो ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिख रहा है थर्ड वाले में, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा उल्टा हो गया मेरा, लीव इट। पहले आपको प्रूफ करना है कि जो सेगमेंट ए बी है वो पैरेलल है सेगमेंट बी क्यू के, तो ए पी यहाँ है, बी क्यू यहाँ है, इन दोनों को हमें पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्राइंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू भी हमें बताना है, ठीक है, तो सिमिलर भी बताएंगे और साथ ही में हम पैरेलल भी प्रूफ करेंगे। तो पैरेलल कब होगा, अच्छा एपी किधर है, यहाँ पे बी क्यू किधर है, यहाँ पे, अच्छा अल्टरनेट एंगल कैसा होता है, पी ए ई ऐसा, पी ए बी और फिर ए बी क्यू ऐसा, ये होता है अल्टरनेट एंगल, मतलब ऐसा ये जेड बनता है अल्टरनेट एंगल में, तो अगर ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है, ये हमारा थियरम, ये हमारा टेस्ट कहता है, ठीक है। तो हम लोग इक्वल करते, देखो इन ट्राइंगल एपीआर, ऊपर से करता हूं, इन ट्राइंगल एपीआर जो सेगमेंट एपी है वो कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट पीआर के, कैसे पता चला, क्योंकि दोनों रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है,
है कि नहीं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, तो जो एंगल पी ए आर होगा वो भी इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर ए के, ठीक है, एंगल पी ए आर जो होगा वो भी इक्वल हो जाएगा हम लोगों का एंगल ए पी आर के, इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन वन, यहां पे लिख दो बाय आइसोसेलस ट्राइंगल थियरम, ठीक है, क्योंकि एक अल्टरनेट एंगल यहां बनेगा और एक अल्टरनेट एंगल यहां से बनेगा, बाकी यहां से वर्टिकली अपोजिट बनेगा, ठीक है। अब हम दूसरा ट्राइंगल उठाते हैं, इन ट्राइंगल क्यू आर बी, ये देखो हम लोगों का सिंपल क्वेश्चन जैसा नहीं है, आने के चांसेस कम है बट फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्यू आर बी में जो सेगमेंट क्यू आर है वो भी इक्वल है सेगमेंट आर क्यू बी के, कैसे पता चला, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो इसके भी हम लोग एंगल्स को इक्वल बता लेते हैं, एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर, ठीक है, क्यू आर बी नहीं आएगा, क्यू बी आर बी क्यू आर, यहाँ पे बी क्यू आर आएगा, दोनों को हम लोगों ने ले लिया x, इसको भी दे दिया नंबर टू, यहाँ भी लिख दिया बाय आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम। अब अगर ये भी x है ये भी x है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हम लोगों का एंगल ए पी आर है, जिसका मतलब जो एंगल हम लोगों का ए पी आर है वो आर क्यू बी के कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों ही दोनों हम लोगों के x है, ठीक है, एंगल आर क्यू बी के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, और ए पी आर कॉन्ग्रेंट टू आर क्यू बी पी आर पी क्यू बी, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू, और अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब सेगमेंट ए पी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा सेगमेंट बी क्यू के, इसको नंबर थ्री दे दो, जरूरत पड़ेगी, यहां लिख दो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, कौन सा टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, दोनों सेगमेंट को दोनों रेडियस को इक्वल बताया, फिर दोनों एंगल, यहाँ भी दोनों रेडियस को इक्वल बताया, फिर दोनों एंगल, और अगर ये दोनों एंगल x है ये दोनों एंगल x है तो इसका मतलब ये भी x होगा, ठीक है, तो ए पी आर को आर क्यू बी के इक्वल बताया और फिर प्रॉम वन एंड टू हमारा प्रूफ हो गया, और अगर ये दोनों साइड पैरेलल हो गई तो सिमिलर बताना भी इजी हो गया, सिमिलर बताना है ट्राइंगल ए पी आर को आर क्यू बी के, सिर्फ सिमिलर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दोनों पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल से कॉन्ग्रेंट बता देते ना, पी ए आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर बी क्यू, यहां पे लिखो फ्रॉम थ्री, ठीक है, और फिर यहां लिखो बाय, डायरेक्टली लिखो अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, फिर एक और अल्टरनेट एंगल बन रहा है, अच्छा वर्टिकली अपोजिट ले लेते हैं, छोड़ो अल्टरनेट एंगल ही, ए पी आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर बी क्यू, इसको भी सेम अल्टरनेट एंगल में डालो, दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए और क्या चाहिए, ट्राइंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू बी बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है, ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी से दोनों इक्वल हो गए, खत्म, छाप लो, ठीक है, थर्ड वाला फिर करते। अगर एंगल पी ए आर 35 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 35 डिग्री है तो पता करो आर क्यू बी कितना होगा, ये कितना होगा, अच्छा अगर ये 35 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 35 हो जाएगा, और अगर ये 35 हो गया तो आइसोसेलस से आइसोसेलस तो यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल देखो यहाँ पे हम लोगों का ये 35 है और ये हमारा दोनों रेडियस इक्वल है तो इसका मतलब ये भी 35 हो जाएगा, और अगर दोनों 35 हो गया तो 180 से माइनस कर दो, प्लस करके आंसर आ जाएगा, बट इसको लिखेंगे कैसे वो मेन बात है, ठीक है, लिखते हैं इन ट्राइंगल ए पी आर एंड ट्राइंगल आर क्यू बी, ठीक है, इसमें हम लोगों का एंगल पी ए आर जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल आर बी क्यू के, कैसे पता चला, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है, बट एंगल पी ए आर जो था वो 35 डिग्री है तो क्या हुआ, एंगल आर बी क्यू भी 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये भी 35 डिग्री हो गया, तो अगर ये 35 हो गया तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया था कि आइसोसेलस ट्राइंगल थ्योरम से जो हम लोगों का एंगल बी क्यू सॉरी आर क्यू बी था वो कॉन्ग्रेंट था एंगल, ठीक है, तो थोड़ी देर पहले आइसोसेलस ट्राइंगल थ्योरम से हम लोगों ने इसको इक्वल बताया था क्यू बी क्यू आर बी से, कितना हो जाएगा दोनों 35 डिग्री बाय आइसो ट्राइंगल थ्योरम, तो इन ट्राइंगल आर क्यू बी ऑल एंगल्स कितने होंगे 180 डिग्री, तो एंगल बी आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल आर क्यू बी
विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. इतना होता है 180 डिग्री. बी आर क्यू कितना है? बी आर क्यू देखो यही है 35. क्यू आर बी कितना है? क्यू आर बी फाइंड करना है, आर क्यू बी फाइंड करना है. क्यू आर बी 35 डिग्री है, ठीक है. क्यू आर बी, क्यू आर बी और फिर बी आर क्यू, बी आर क्यू दोनों मैंने सेम ही सेम लिख दिया, ठीक है. इसको क्यू आर बी लिखो, दोनों मैंने वैसा ही लिख दिया था. तो ये 35 प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये 70 प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल आर क्यू बी आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है. 180 से वो माइनस हुआ. छाप लो इसको, फिर लास्ट वाला करते. चलिए तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते. इसमें आपको बोला ये सी है, ये डी है, और ये ए है, और ये बी है. बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर. तो पता करो एंगल सी डी कितना होगा. ये जो सी डी टेंजेंट है ना, ये कितना होगा, ये हमें पता करना है. तो पहले ओरली हम लोग वहां तक पहुंचते हैं, फिर देखते हैं सी डी तक पहुंचा कैसे जाए. कोई सी डी है नहीं कि सी डी तक पहुंच सके. बना लेते एक सी डी. चलो एक सी डी यहां से मैंने बना दिया, एक सी डी यहां से मैंने बना दिया. जा तो रहा है, ये रेडियस जैसा लग रहा है, ठीक है. यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, क्या कोई नाम, ई है. तो ए जो है वो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 होगा. रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये ई भी 6 है, तो ये भी ई भी 6 होगा, है ना. रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो ये 4 ये 6 तो हो गया. बट सी डी तक अभी भी नहीं पहुंच रहे. सी डी तक पहुंचते हैं, देखते. अगर मैं यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसी, ठीक है, जस्ट वेट अ मोमेंट, ठीक है. तो ये हम लोगों का एंगल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, ठीक है, ए बी पी सी जो होगा ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा. तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है. तो अगर ये 4 6 कितना हो जाएगा, 10, तो ये भी हो जाएगा 10. ये 4 है, तो बीपी कितना होगा, 4 होगा. तो डीपी कितना हो जाएगा, डीपी 2 हो जाएगा. ये 10 हो गया, ये 2 हो गया. ये एंगल कितना, 90 डिग्री. कैसे पता चला, टेंजेंट थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आंसर लेकर जाओ. अभी तक ओरली पहुंचे, ठीक है. अब असली में चलते. कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या किया भाई आपने, ड्रॉ सेगमेंट ए सी पैरेलल टू सेगमेंट पी बी एंड सेगमेंट बी सी पैरेलल टू सेगमेंट ए बी, ठीक है. अब सॉल्यूशन करते हैं. सेगमेंट ए ई कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ए सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल, ठीक है. देयर फोर सेगमेंट ए सी जो होगा वो भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब इसके बाद जो सेगमेंट ई बी होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा सेगमेंट बी डी के, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम रीजन. देयर फोर लेंथ बी डी कितना हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ई प्लस ई बी हो जाएगी, ठीक है. सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, यहाँ पे लिख सकते हो सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, ठीक है. तो ए 6 है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. उल्टा लिख दिया, ये 4 है, ये 6 है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. अब अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो सेगमेंट ए बी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा सेगमेंट सी पी के. तो देयरफॉर लेंथ सी पी भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है. अब इसके बाद सी पी तक पहुंच गए. अभी ए सी को इक्वल बताते पी बी के. क्वाड्रिलेटरल ए बी सी पी इज अ पैरेललोग्राम. इवेंचुअली यही पे लिखना था, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट. अगर ये पैरेललोग्राम है तो एसी भी इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, बीपी के, ठीक है. तो सेगमेंट बीपी कितना हो जाएगा, सेगमेंट बीपी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. अब ध्यान से देखो, जो बीडी है वो किससे बना है, बीपी प्लस पीडी. अगर बीडी 6 है, बीपी 4 है, तो पीडी कितना हो जाएगा, पीडी हो जाएगा 2, तो पीडी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. अब पीडी मिल गया है, सीपी मिल गया है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते. इन ट्राइंगल सी डी पी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम, ठीक है, सी डी पी बाय टेंजेंट थ्योरम. अब यहाँ पे सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर. ये कैसे पता चला, पाइथागोरस थ्योरम. तो सी पी कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर. सी डी कितना है, पता करना है. पी डी कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर.
तो 100 इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस 4, 4 को यहाँ लेकर आओगे तो 96 इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, सी डी इज इक्वल टू रूट 96, तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी 6√2। देखते हैं कितना आएगा, 6√2 ही आई थिंक, लेट्स चेक इट आउट। 2 6 12 6 ओके 4√6 आएगा, ठीक है कर लो इसको, फिर 3.3 चालू करते हैं। चलिए अब 3.3 के लिए थोड़ी और बातें करते हैं सर्कल पे। सपोज ये आपका एक सर्कल है, यहां से एक सेंटर है ओ, यहां से मैं एक रेडियस खींचू, एक और रेडियस खींचू, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन से अगर दो सेगमेंट जाती है तो उसके बीच में एक आ जाता है एंगल, तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक थीटा आ गया। क्या आ गया? थीटा आ गया, ठीक है। तो ये थीटा जो है जो सेंटर पे बना हुआ है दो रेडियस के वजह से, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल एंगल, ठीक है। नीचे का जो छोटा वाला आर्क है इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और जो बच गया उसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं उसको? मेजर आर्क, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल एंगल है इससे एक प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जितना ये थीटा होगा, सपोज ये 60 डिग्री है, उतना ही ये आर्क होगा, ठीक है। देयरफोर एंगल एओबी जो होगा वो बराबर होगा मेजर आर्क एबी के। मतलब अगर ये 60 है तो ये भी 60 रहेगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 रहेगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये कहता है प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। अब कॉन्ग्रेंट कॉर्ड करिस्पॉन्ड टू कॉन्ग्रेंट आर्क की बात आती है, ठीक है। कॉन्ग्रेंट कॉर्ड कॉरेस्पॉन्ड टू कॉन्ग्रेंट आर्क, कॉन्ग्रेंट आर्क, ठीक है। सपोज ये एक मेरे पास सर्कल है, यहाँ पे एक कॉर्ड बना हुआ है ऐसे, तो जितना इस कॉर्ड की लेंथ होगी उतना ही इस आर्क की भी लेंथ होगी, ठीक है। ठीक है, सपोज ये आप लोगों का, मतलब एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। सपोज ये जो भी आपका कॉर्ड है इसकी जो भी लंबाई या फिर जितना भी इसका लेंथ होगा वो ही इस आर्क का भी लेंथ होगा, यही हमारा थ्योरम कहता है, ठीक है। जितना ये कॉर्ड होगा उतना ही ये आर्क होगा। सपोज यहां से मैंने दो कॉर्ड बना दिए, तो अब ये जितना कॉर्ड हो, सपोज ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों आर्क भी कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों कॉर्ड भी कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो इस पे आपको बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन करते हैं, एक और खास चीज समझ लीजिए कि एक सर्कल होता है उसके अगर सारे आर्क को मैं टोटल करूंगा तो कितना आता है? 360 डिग्री आता है। सारे आर्क को टोटल करूंगा तो 360 डिग्री आता है। आप लोग जानते हो कंप्लीट रोटेशन करोगे राउंडर से तो 360 डिग्री आएगा। तो अगर माइनर आर्क 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये 300 डिग्री होगा। कितना होगा? 300 डिग्री होगा, ठीक है। सपोज ये 100 डिग्री होता तो ये कितना होता? 260 डिग्री होता। कितना होता? 260 डिग्री। तो टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ये बात भी याद रखो, ठीक है। सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी कॉन्ग्रेंट कॉर्ड करिस्पॉन्ड टू कॉन्ग्रेंट आर्क और सम ऑफ ऑल द आर्क ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। चलिए 3.3 चालू करते। सो वाला एंगल ECF जो है वो 70 डिग्री है। कितना एंगल ECF? ECF है 70 डिग्री और मेजर आर्क DGF जो है वो 200 डिग्री है। तो हमें पता करना है मेजर आर्क DE कितना होगा, ठीक है, और साथ ही में पता करना है DEF कितना होगा, मतलब EF मिल जाए तो हम लोग DEF ढूंढ लेंगे। देखो कैसे, ठीक है। सबसे पहले ये 70 डिग्री है, ठीक है, एंगल ECF कितना है? एंगल ECF 70 डिग्री है और साथ ही में हम लोग जानते हैं कि एंगल ECF इज अ सेंट्रल एंगल क्योंकि वो सेंटर पर बना हुआ है। क्या है वो? सेंट्रल एंगल, ठीक है। हम लोग जानते हैं एंगल ECF किसके बराबर होगा? मेजर आर्क EF के बराबर होगा। कैसे पता चला? प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो अगर ये 70 है तो मेजर आर्क EF भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। तो मेजर आर्क EF इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब मेजर आर्क EF अगर 70 डिग्री है, ये अगर 70 डिग्री हो गया तो टोटल 360 डिग्री होता है। तो लिख लो, मतलब मेजर आर्क DE को अगर मैं जोड़ू मेजर आर्क EF के साथ और मैं छोड़ो मेजर आर्क क्या पता करना है? DEF पता करना है ना, तो डायरेक्टली लिखो मेजर आर्क DEF, ठीक है, पूरा ले लो, प्लस मेजर आर्क DGF। अगर मैं दोनों को जोड़ू तो आंसर कितना आ रहा है? 360 डिग्री आ रहा है। यहां पे लिखो सम ऑफ ऑल द आर्क्स ऑफ अ सर्कल इज
360 डिग्री, ठीक है। मेजर आर्क DEF कितना है पता नहीं, यही तो फाइंड करना है। अच्छा DGF कितना है, DGF तो 200 डिग्री है, किसके इक्वल है 360 के, तो 200 वहां जाके माइनस होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 160 डिग्री। तो मेजर आर्क DEF डायरेक्टली आपको मिल गया 160 डिग्री, और अगर ये टोटल 160 है और ये 70 है तो मतलब ये 90 होगा। ये सीधा सीधा आंसर फाइंड कर सकते हो, कर लो इसको फिर आगे करते। सेकंड वाले में बोला है ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो प्रूफ करो कि कॉर्ड सॉरी आर्क RS जो है वो कॉन्ग्रेंट है आर्क QS के, वो कॉन्ग्रेंट है आर्क QR के, ठीक है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें साइड QR जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा साइड RS के, इसको दे दो नंबर वन, यहाँ लिख दो साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, एक एंगल 60 डिग्री, ठीक है। और साइड RS जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा साइड QS के, सेम प्रॉपर्टी, इसको दे दो नंबर टू। तो फ्रॉम वन एंड टू हमें ये पता चला कि तीनों एक तीसरे के इक्वल है, तो साइड QR कॉन्ग्रेंट टू साइड RS कॉन्ग्रेंट टू साइड QS, और ये साइड की जहां साइड के साथ साथ ये और क्या रिप्रेजेंट करते, कॉर्ड रिप्रेजेंट करते, तो कॉर्ड QR कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड RS कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड QS। तो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनके आर्क भी इक्वल होंगे, देयरफॉर आर्क QR कॉन्ग्रेंट टू आर्क RS कॉन्ग्रेंट टू आर्क QS, ठीक है। यहाँ सॉरी गाइस कैमरा स्टॉप हो गया था, देखो हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो तीनों साइड इक्वल बताई, फिर तीनों वो साइड के साथ साथ क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, कॉर्ड भी, तो कॉर्ड भी इक्वल हो गया। फिर हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो उसके आर्क भी इक्वल होंगे, तो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड करिस्पॉन्ड टू कॉन्ग्रेंट आर्क, तो ऐसा करके हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। और फिर सेकंड वाले में बोला है कि मेजर आर्क QRS को 240 डिग्री प्रूफ करो, मतलब ये टोटल लेंथ को प्रूफ करो 240 डिग्री है, पहले इसको लिख लो फिर वो बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको रहने दिया है बिकॉज ये चीज हमें यूज होगी। तो मेजर आर्क QR जो है वो इक्वल है मेजर आर्क RS के, वो इक्वल है मेजर आर्क QS के, ये चीज हम लोगों ने प्रूफ की है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं एक्स नंबर वन, ठीक है, और ये तीनों एक्स है तो टोटल कितना होता है सारे आर्क का 360। तो मेजर आर्क QR प्लस मेजर आर्क RS प्लस मेजर आर्क QS किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के, ठीक है। मतलब एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल होंगे 360 डिग्री के, तो 3x किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिग्री, और अगर x की वैल्यू 120 डिग्री है तो इसका मतलब हर एक आर्क 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है। हमें क्या प्रूफ करना है, QRS, तो QRS इन्हीं दोनों से तो आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो QRS के इक्वल होगा, दोनों को ऐड करना मतलब 120 प्लस 120 दैट इज 240, हो गया प्रूफ, कर लो इसको, ठीक है। फिर थर्ड वाला करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। उसमें बोला कॉर्ड AB कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड CD, ओके। तो मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रेंट कॉर्ड करिस्पॉन्ड टू कॉन्ग्रेंट आर्क, तो अगर कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब आर्क AB जो होगा वो भी कॉन्ग्रेंट होगा आर्क CD के, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे कॉन्ग्रेंट कॉर्ड करिस्पॉन्ड टू कॉन्ग्रेंट आर्क, कॉन्ग्रेंट की साइन आप लोग कॉन्ग्रेंट लिखना आर्क। अब आर्क AB को मैं लिख सकता हूँ आर्क AC प्लस आर्क CB, है कि नहीं, ऐसा लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू आर्क CD को लिख सकता हूँ आर्क CB प्लस आर्क BD, है कि नहीं, लिख सकता हूँ ना, CB CB कट गया तो बचा आर्क AC कॉन्ग्रेंट टू आर्क BD, खत्म हो गया प्रूफ, यही तो करना था, ठीक है, खाली एक प्रॉपर्टी से आपने कर दिया। चलिए अब 3.4 के थ्योरम्स देखते हैं और फिर वो खत्म करें। चलिए अब मैं आपको नोट्स बताता हूँ 3.4 के लिए। तो पहला थ्योरम है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी सर्कल में कोई यहाँ से आर्क पे इंटरसेप्ट हो जाए, ठीक है, मतलब दो कॉर्ड ऐसा एक ही जगह पे इंटरसेप्ट हो जाए, तो इनके बीच में जो एंगल होगा ना वो सामने वाले आर्क के जितना मेजर होगा उसका आधा होगा, ठीक है। सपोज इसका नाम है ए, इसका नाम है ओ, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, जो एंगल ए ओ बी होगा वो सामने वाली आर्क की जितनी भी लंबाई होगी उसका आधा होगा, मतलब हाफ ऑफ मेजर आर्क ए सी बी, मतलब सामने वाले आर्क का जितना भी मेजर होगा उसका ये आधा होगा। ये थ्योरम कहता है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम।
ठीक है। और इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम को आसान शब्दों में क्या कह सकते हो आप लोग, इफ आ एंगल इज इंस्क्राइब्ड इन टू इंटरसेप्टेड आर्क देन द मेजर ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ आर्क, ठीक है, जितना भी हो रहे थे उसका। ठीक है, सपोज ये 140 डिग्री होता तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता हाफ इंटू 140 दैट इज 70 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री होता तो ये कितना होता, ये डबल होता, इसका मतलब ये 200 डिग्री हो जाता। ठीक है, ऐसा इंस्क्राइब्ड एंगल का यूज हम लोग करते। इसको कर लो, फिर हम लोग देखते हैं क्वाड्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? अगर किसी सर्कल में मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया, सो वी कैन नॉट से दैट इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ रेक्टेंगल, और इट इज अ रॉम्बस, इट इज अ पैरेललोग्राम, वी कैन नॉट डिफाइन। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन अ न्यू नेम, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक मीन्स इट इज इन अ सर्कल। ओके, सो हियर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विल बी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री। ओके, सो इफ आई एड एंगल ए एंड एंगल सी आई विल गेट 180 डिग्री। सपोज यू हैव एंगल ए एज 70 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल सी, व्हाट इज, कितना आएगा ये? ये आ जाएगा 110। बी दे दिया 50 तो ये कितना आ जाएगा 130, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखोगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री की जगह 180 भी लिख सकते हो, इट्स ऑन यू। ओके, सो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम था। अभी हम लोग देखते हैं अगर क्वाड इंटरसेक्ट हो इंटरनली या एक्सटर्नली तो वहां पे जो एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, दो थ्योरम अभी तक समझा, इंस्क्राइब्ड एंगल और साइक्लिक। ठीक है, ये दोनों समझा, तो हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एक सर्कल है, एक कॉर्ड यहां से गया है, एक कॉर्ड यहां से गया है, इसका नाम है ए बी सी डी और बीच में पॉइंट है ई जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो कभी बाई चांस आपने आपसे पूछ लिया कि एंगल ए ई सी कितना होगा, एंगल ए ई डी कितना होगा, बताओ, तो कभी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप बोलोगे अरे ये तो हम लोग बता ही नहीं सकते। अरे बता सकते हो, थियरम है आपका, अगर कॉर्ड अंदर अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो एंगल ए ई सी होगा या फिर एंगल डी ई बी होगा, दोनों में से कोई भी एक एंगल, मतलब दोनों बराबर ही होंगे, तो कोई एक फाइंड करिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, मतलब एक आ गया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो एंगल ए ई सी जो होगा वो बराबर होगा हाफ ऑफ मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क बी डी। ठीक है, मतलब अपोजिट आर्क के सम के बराबर होगा ये एंगल, और जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, मतलब मेजर आर्क ए सी और बी डी को जोड़ के उसका आधा करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल से ही डिराइव्ड है हम लोगों का। हाँ, सपोज आपको ए ई डी फाइंड करने बोल दिया तो ए ई डी पता कर लोगे तो उतना ही सी ई बी भी होगा। ठीक है, तो एंगल ए ई डी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क ए डी प्लस मेजर आर्क बी सी। ठीक है, अपोजिट आर्क को ऐड करके अगर उसका आधा करोगे, मतलब ये दोनों एडी और बी सी को जोड़ के आधा करोगे तो ये एंगल मिल जाएगा, ये थीटा मिल जाएगा। जितना ये होगा उतना ये भी होगा, और जितना ये होगा उतना ये भी होगा, समझ गए? तो ये अंदर से इंटरसेक्ट किया तो, अब सपोज बाहर से इंटरसेक्ट हो रहा है, सपोज एक कॉर्ड यहां से गया है और एक कॉर्ड यहां से गया और ये बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे, तो आपसे पूछ लिया बताओ बच्चा एंगल ए ओ डी कितना होगा, मतलब ये वाला थीटा कितना होगा। तो आपको करना क्या है, इसमें आप ऐड कर रहे थे, अब बाहर से इंटरसेक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब हाफ ऑफ मेजर आर्क ए डी माइनस मेजर आर्क बी सी, मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे, इसको और इसको घटाएंगे, फिर आधा कर देंगे, तो जो आधा होके आपका आंसर आएगा वही है थीटा होगा, दैट इज ए ओ डी। समझ गए? बाहर से जुड़ा तो माइनस, अंदर से जुड़ा तो प्लस, बाहर से जुड़ा तो माइनस, अंदर से जुड़ा तो प्लस, बाहर से जुड़ा तो माइनस, अंदर से जुड़ा तो प्लस। ठीक है, यहाँ पे सम होगा, अंदर है मतलब घर का है तो प्लस करेंगे, बाहर का है, ठीक है, बाहर मिल रहा है मतलब बाहर का है तो उसको भगाना है, मतलब माइनस करना है।
ठीक है, सपोज आपको ये दिया है 100, ये दिया है 40, पूछा ये थीटा कितना होगा, तो 100 माइनस 40 डिवाइड बाय 2 आंसर आ जाएगा 60 बाय 2 आंसर आ जाएगा 30, मतलब ये थीटा 30 डिग्री होगा। सपोज आपको बोले ये 60 है ये 40 है, बताओ ये थीटा कितना होगा, तो 60 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 मतलब 100 अपॉन 2 मतलब 50 डिग्री, तो ये थीटा 50 होगा। ठीक है, आपको बोला ये 100 है ये 200 है, बताओ ये कितना होगा, तो 100 प्लस 200 डिवाइड बाय 2 मतलब 300 बाय 2 मतलब 150 डिग्री, थीटा कितना होगा 150 डिग्री। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो अब शुरू करते हैं 3.4, आई थिंक सब कुछ मैंने बता दिया। तो गाइस आपको एक बहुत ही मजेदार सी बात बताता हूं, हुआ क्या कि मैंने 3.4 से पूरा का पूरा वीडियो बनाया और फिर पता चला कि मोबाइल में बग आने के कारण जो वीडियो था सिर्फ वीडियो ही रह गया, उसमें साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मतलब उसमें ऑडियो था ही नहीं, सिर्फ मैं इधर लिखे जा रहा हूँ, आवाज कुछ आ ही नहीं रही है, तो उसके कारण मुझे दोबारा से यहाँ से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन से। पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने 3.5 के क्वेश्चंस भी कराए थे, बट इस वीडियो में मैं उसके थ्योरम बता के छोड़ दूंगा एज इट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, और उसके बाद प्रॉब्लम सेट का एमसीक्यू कराऊंगा जो कि मोर देन इनफ रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया था, वैसे तो आज तीसरा दिन हो गया, पहले दिन मैंने 3.3 तक कराया, दूसरे दिन कराया तो बग आ गया, और आज जाके ये शायद कंप्लीट होगा। 3 दिन में बताओ 1 घंटे का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। खैर जो भी हो, इसमें बोला रेडियस AO और रेडियस OB, रेडियस AO और रेडियस OB जो है वो इक्वल है कॉर्ड AB के, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो अगर ध्यान से देखो तो ट्रायंगल है AOB, AOB क्या है, ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तीनों साइड इसकी इक्वल है ना, साइड AO जो है वो कॉन्ग्रेंट है साइड OB के, वो कॉन्ग्रेंट है साइड AB के। कैसे पता चला, अरे क्वेश्चन में बोला है दोनों रेडियस कॉर्ड के बराबर है, तो इक्वल हो ही गया, इक्वल हो गया तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब क्वेश्चन बोला है एंगल AOB कितना है, एंगल ACB कितना है, RKB कितना है और मेजर आर्क ACB कितना है, ये चार चीजें हमें पता करनी है। अच्छा, ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल AOB कितना होगा, सीधा सीधा आंसर है एंगल AOB होगा 60 डिग्री, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड सेम होता है, तीनों एंगल सेम होता है, एंड एक एंगल 60 डिग्री होता है, बिकॉज इफ 3 एंगल्स आर सेम, तीनों को मैं x x x ले लेता हूँ, तीनों को प्लस करोगे तो वैल्यू आएगी 180, मतलब 3x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60, मीन्स ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज 60 डिग्री, यहाँ लिखोगे एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, फिर बोला एंगल ACB कितना होगा, अच्छा एंगल ACB इंस्क्राइब्ड एंगल है तो वो RKB का आधा होगा, तो उससे पहले हम लोग RKB निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, सेंट्रल एंगल है, और सेंट्रल एंगल सामने वाले आर्क के इक्वल होता है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, देयरफॉर RKB इज इक्वल टू एंगल AOB, यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। ठीक है, AOB कितना है 60 डिग्री, तो RKB कितना हो गया 60 डिग्री। अब बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम IAT, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के अनुसार जो एंगल ACB होगा वो आधा होगा मेजर RKB का, है कि नहीं, तो मेजर RKB कितना है 60 है, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो एंगल ACB कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला ACB कितना होगा, मतलब ये पूरा लेंथ पूछा है, इतना 60 है तो पूरा कितना होगा, कितना होगा टोटल, कितना होता है 360, अगर 360 में से ये 60 हो गया तो बचा हुआ 300 हो जाएगा, पर लिखेंगे कैसे दिखा देता हूँ, RKB प्लस RKCB इज इक्वल टू 360, AB कितना है 60 डिग्री है, RKCB नहीं पता है, और ये कितना है 360 है, 60 अगर 360 में माइनस होगा तो RKCB की वैल्यू आ जाएगी 300 डिग्री, खत्म, समझ गए। चलो अब करते हैं सेकंड वाला, आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है साइड PQ कॉन्ग्रेंट टू साइड QR एंड एंगल PSR इज 110 डिग्री एंड क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक, दी हुई सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। आफ्टर दैट क्वेश्चन में बोला है फाइंड एंगल PQR, अच्छा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का टोटल कितना होगा 180 डिग्री, तो एंगल PSR प्लस एंगल PQR विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, लिख देता हूं, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, और यू कैन राइट सप्लीमेंट्री। ठीक है, PSR 110 है, PQR पता नहीं, ये है 180 डिग्री, 110 वहां जाके माइनस होगा, PQR आ जाएगा 70 डिग्री, खत्म। फिर बोला है PQR, ये आर्क कितना होगा, तो ये देखो ये दोनों हमें इक्वल बोला है, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है तो ये दोनों आर्क भी इक्वल होगा। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग कुछ और फाइंड करते हैं, PQR, ठीक है,
क्यू आर से पहले हम लोग पी क्यू आर फाइंड करते। तो पी एस आर देखो इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंगल पी एस आर 110 डिग्री है, तो ये सामने वाला आर्क कितना होगा, एंगल का डबल होगा, सो इट विल बी 220 डिग्री। ओके, एंगल पी एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू आर, ठीक है, ये कितना है 110 डिग्री, ये हो जाएगा आधा ऑफ मेजर आर्क पी क्यू आर, तो ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मेजर आर्क पी क्यू आर आ जाएगा 220 डिग्री, समझा इतना। अब इसके बाद बोले मेजर आर्क क्यू आर कितना होगा, तो टोटल 220 है और दोनों कॉर्ड इक्वल है, ठीक है, मतलब लेट मी राइट हियर, सेगमेंट पी क्यू, कॉर्ड लिखो, छोड़ो, कॉर्ड पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड क्यू आर, ठीक है, तो आर्क पी क्यू जो होगा वो भी इक्वल होगा आर्क क्यू आर के, है कि नहीं, करेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट कॉर्ड करेस्पॉन्ड टू कॉन्ग्रेंट आर्क, इन दोनों को ले लेते हैं एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मिलेगा दैट इज 220, तो 2x की वैल्यू आएगी 220, तो एक आ जाएगा 110 डिग्री, मतलब ये भी 110 डिग्री है और ये भी 110 डिग्री है, ठीक है, तो आंसर मिला ना, क्यू आर कितना हो गया 110। आफ्टर दैट पूछा पी आर क्यू कितना होगा, अब देखो ये 70 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो आइसोसेलस ट्राइंगल थियरम से ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, दोनों को x और x ले लेंगे, टोटल कितना होता है 180 होता है, तो x plus 70 is equal to 180, तो 2x is equal to 110, तो x की वैल्यू आ जाएगी 55, तो ये कितना आ जाएगा 55, ये कितना आ जाएगा 55, खत्म, लिख लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में बोले क्वाड्रिलेटरल MRPN इज अ साइक्लिक, यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल MRPN है जो कि साइक्लिक है, ठीक है, इसमें आपको एंगल R की वैल्यू दी है 5x minus 13, एंगल N की वैल्यू दी है 4x plus 4, आपको पूछा है दोनों की एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग जानते ही हो कि R और N देखो अपोजिट एंगल्स है, तो एंगल R plus एंगल N कितने हो जाएंगे 180 डिग्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, तो 5x minus 13 plus 4x plus 4 will be equal to 180 degree, 9x minus 9 is equal to 180 degree, minus 13 plus 4 minus 9, 5x 4x 9x, तो 9x की वैल्यू आ जाएगी 189, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21 डिग्री, एंगल r कितना है 5x minus 13, तो 5 into 21 minus 13, तो 105 minus 13, so it will be equal to 92 डिग्री, एंगल n किसके इक्वल है 4x plus 4 के, x की जगह क्या रख देते 21, ठीक है, तो 4 into 21 plus 4, 4 into 21 84 plus 4, the value will be 88 डिग्री, समझ गए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट लेकर आता है आपके लिए, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, रिमेम्बर एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो अगर यहां से एक डायमीटर जा रहा है, डायमीटर क्या करता है एंगल को सेमी सर्कल में सर्कल को सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट टी है, तो देखो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, और अगर इसको और ऊपर लेकर जाओगे ना तो वो घटता जाएगा, ठीक है, और घटता जाएगा, तो सपोज मैं इसको और ऊपर लेकर जा रहा हूँ, पॉइंट टी से जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल जैसा ये बन रहा है, तो ध्यान से देखो ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है मतलब इन दोनों का टोटल कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि उससे कम तो होगा नहीं, है ना, और उससे ज्यादा भी नहीं होगा क्योंकि ट्राइंगल 180 का होता है, तो ये दोनों का टोटल भी 90 डिग्री के इक्वल होगा बिकॉज इट इज 90 डिग्री, तो इसको पी दे देते हैं। तो आप लोगों ने रिमोट एक्सटीरियर एंगल नाम की एक प्रॉपर्टी लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था कि इसके सामने मतलब इसके आगे का जो एंगल रहता है उसको बोलते हैं रिमोट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, तो एंगल आरटीएस क्या है, यहाँ पे एंगल आरटीएस इज अ रिमोट एक्सटीरियर एंगल, और कभी भी जो रिमोट एक्सटीरियर एंगल होता है वो रिमोट इंटीरियर एंगल से कम होता है, इसका मतलब जो एंगल आरटीएस होगा वो कम होगा एंगल आरपीएस से, और एंगल आरपीएस कितना है 90 डिग्री है, है ना, इसको लिखोगे एंगल आरपीएस इज इक्वल टू 90 डिग्री और रीजन में ये डाल दोगे ऊपर वाली लाइन, ठीक है, ये 90 डिग्री से कम है तो इसका मतलब ये क्या है एक्यूट एंगल है, खत्म। नेक्स्ट वाला भी यही देख लो, वैसे कराने वाले क्वेश्चंस ये है नहीं, ये इजी है, सो वाला प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लो, नाम दे दो पी क्यू वायरस पी क्यू वायरस, ठीक है, तो हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे लिखो एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखोगे यहाँ पे एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल सब 90 डिग्री होते हैं, तो इसका मतलब अगर अपोजिट एंगल को मैं प्लस करूँ P और R को और Q और S को, तो 90 प्लस 90 ये भी 180 आएगा, ये भी 180 आएगा, देयरफॉर सम ऑफ अपोजिट एंगल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ दिस रेक्टेंगल इज सप्लीमेंट्री, क्या ये सप्लीमेंट्री, बट सप्लीमेंट्री होना तो प्रॉपर्टी थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की,
तो लिख दो विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये तो प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब एवरी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, छाप लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें आपको ऐसा कुछ एक ट्राइंगल बनाया है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है। इसका नाम है जेड, इसका नाम है पी, इसका नाम है टी, इसका नाम है वाई, इसका नाम है एक्स, इसका नाम है डब्ल्यू। ओके, आपको प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी इज अ साइक्लिक। अरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या है, ध्यान से देखो तो जेड और टी अपोजिट एंगल्स है, तो एंगल जेड प्लस एंगल टी देखो दोनों 90 है, दोनों 90 है तो ऐड करने पे 180 आ जाएगा। ठीक है, टोटल क्वाड्रिलेटरल की लेंथ सॉरी टोटल मेजरमेंट कितना होता है 360। तो एंगल W प्लस एंगल Z प्लस एंगल P प्लस एंगल T विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। Z प्लस T मतलब ये और ये कितना है 180 डिग्री है, तो बचा कौन, बचा एंगल P और एंगल W, किसके इक्वल है 360 के, 180 वहां जाके माइनस होगा, तो एंगल W प्लस एंगल P विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये अपोजिट एंगल का सम भी 180, ये अपोजिट एंगल का भी सम 180। ये लिख के लिख दो, ये साइक्लिक है। आफ्टर दैट इसमें बोला है कि पॉइंट XZ TY कौन साइक्लिक है, कौन साइक्लिक मतलब वो पॉइंट सर्कल पे लाए करते हैं। तो ये हम लोगों का अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो गया तो इसका मतलब जेड टी एक ही सर्कल की लाइन पर आते हैं। ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हो दैट पॉइंट जेड टी आर लाइज ऑन द सेम लाइन ऑफ अ सर्कल, देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी इज अ साइक्लिक, देयरफॉर पॉइंट एक्स जेड टी वाई आर ऑल्सो कौन साइक्लिक। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें बोला है एंगल एनएमएस फाइंड करिए। तो मैंने आपको बताया था जब भी कॉर्ड बाहर टच कर रहे हो तो माइनस कर दीजिए ऐड करके दोनों आर्क को। ठीक है, मतलब दोनों आर्क को माइनस कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, क्योंकि ये बाहर टच हो रहा है मतलब बाहर का है, बाहर का तो भगा दो माइनस कर दो। ठीक है, तो हाफ ऑफ मेजर आर्क एनएस माइनस मेजर आर्क ईएफ। ठीक है, अब एनएस कितना है 125, ईएफ कितना है 37, 125 माइनस 37 विल बी इक्वल टू 88 डिग्री। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू 44 डिग्री, आ गया आंसर। नेक्स्ट वाले में आपको देखो इंटीरियर वाला प्रॉपर्टी है। सपोज दिस इज अ सर्कल, काफी छोटा सर्कल है, यहाँ पे है डी सी बी ई ए। ओके, तो आपको एंगल ए बी ई दिया है 108 डिग्री, ए बी ई दिया है 108 डिग्री, मतलब बात हो रही है इस एंगल की, तो ये एंगल की बात हो रही है, तो ये दोनों आर्क लेंगे। तो एंगल ए बी ई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ अपोजिट आर्क मतलब मेजर आर्क ए प्लस मेजर आर्क डी सी, दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ ये कितना है 108 है, ए कितना है, ए आपका 95 है। ठीक है, डी सी कितना है पता नहीं, वही तो पता करना है, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 216 इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर आर्क डी सी, 95 यहाँ आके माइनस होगा तो मेजर आर्क डी सी की वैल्यू आ जाएगी 121 डिग्री। ठीक है, 95 यहाँ आके माइनस होगा तो 121 डिग्री, खत्म, खलास, एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको थियरम बता देता हूँ 3.5 का, और आफ्टर दैट एमसीक्यू करेंगे, वन शॉट ओवर हो जाएगा। चलिए 3.5 का पहला थियरम है, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। इफ दिस इज अ सर्कल एंड देयर इज अ कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी एंड दे आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली एट पॉइंट ओ। ठीक है, अगर इस पॉइंट पर वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक रेशियो इक्वल होता है, मतलब इसको देखो प्रूफ ही किया गया सिमिलैरिटी वाले मेथड से। यहां से ऐसा दो ट्रायंगल बनाया गया और फिर प्रूफ किया गया, तो एक रेशियो निकलता है, क्या है वो, ए ओ इंटू ओ बी मतलब दिस इंटू दिस विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस मतलब सी ओ इंटू ओ डी। ठीक है, ये आपका थियरम आ गया। अब आपको वैल्यू दे देगी, ये 8 दे देगा, ये 2 दे देगा, ये 10 दे देगा, बोलेगा ये फाइंड करो, तो 1.6 आ जाएगा वो। ठीक है, फिर 16/10 भी बोल सकते हो। आफ्टर दैट हो सकता है आपको ये टोटल मेजरमेंट दे दे, बोल दे सी डी 10 है तो पता करो, तो सी ओ को एक्स ले लोगे तो ओ डी हो जाएगा 10-x। ऐसे क्वेश्चन है, आपको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब अगर कॉर्ड बाहर से इंटरसेक्ट हो रहा है तब देखते हैं। सपोज देयर इज अ कॉर्ड एल एम एंड देयर इज अ कॉर्ड पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे एल एम है और यहाँ पे पॉइंट है ओ, ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे, तो बाहर से इंटरसेक्ट कर रहे तो रेशियो कैसा बनेगा, हाफ इंटू फुल मतलब ओ एल इंटू ओ एम इज इक्वल टू हाफ इंटू फुल मतलब ओ पी इंटू ओ क्यू। यहाँ पे आपको वैल्यू दे देगा 8 to 4x, एक्स फाइंड करो तो कितना हो जाएगा 16/4, ये भी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कोलिनियर मेथड आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब ओ क्यू किसके इक्वल होगा, ओपी प्लस पी क्यू। कभी कभी आपको टोटल ओ क्यू की वैल्यू दे देगी, ओपी 4 दे देगा, बोलेगा पी क्यू फाइंड करो, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला यही है बस, कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए तो पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक और थ्योरम बता देता हूँ फिर एक्सरसाइज खत्म। आइए टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम देखते हैं। टेंजेंट और सीकेंट दोनों चीज तो आप लोग जान ही चुके होगे। ठीक है,
सपोज यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और यहां से एक सीकेंट ड्रॉ किया गया है। टेंजेंट का नाम है ए बी, सीकेंट का नाम है एडी, ए सी डी, ठीक है। तो यहां पे जो आपका रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर, मतलब टेंजेंट का स्क्वायर, क्या टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू फुल ऑफ सीकेंट, सीकेंट का हाफ इंटू फुल, सीकेंट का हाफ मतलब ए सी, फुल मतलब एडी। जैसे मैं आपकी टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन उठाता हूँ, इसमें बोला है टेंजेंट 12 है और ये 8 है, तो वो पता करो डीसी कितना होगा, ठीक है। तो ये 12 है मतलब 12 का स्क्वायर, एसी 8 है, हमें डीसी फाइंड करना है बट पहले एडी फाइंड करेंगे। 12 का स्क्वायर 144, 8 यहाँ के डिवाइड, तो एडी की वैल्यू आ जाएगी 18, एडी की वैल्यू आ जाएगी 18। अब अगर एडी 18 है और एसी 8 है तो डीसी कितना हो जाएगा 10, कोलिनियर मेथड, कोलिनियर बोले तो एडी इज इक्वल टू एसी प्लस सीडी, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर होगी तो ऐसे क्वेश्चन तुरंत निपटा लोगे। ये साल तो रिड्यूस्ड है बट अगर आप 2022 में देख रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल है, सीडी आ जाएगा 10, ठीक है। ऐसा समझ गए, हम लोग कर लेते प्रॉब्लम सेट 3 का एमसीक्यू, फिर ये आपका समाप्त करिए, एमसीक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है दो सर्कल के रेडियाई 5.5 और 3.3 है और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली नहीं बोला है, दोनों तरीके से नहीं बोला है, तो पता करना है कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अगर एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे तो 8.8 होगा, इंटरनली टच कर रहे होंगे तो 2.2 होगा, बट कुछ बोला नहीं है तो दोनों आंसर को हम लोग करेक्ट मानेंगे, तो डी वाला आपका करेक्ट है। फिर बोला है टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट द सर्कल, ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। सपोज यहाँ पे एक सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ है, तो जो दूसरा सर्कल बनाया जा रहा है ना वो इसके सेंटर से ही पास हो रहा है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से ही पास हो रहे, तो इनके सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, इसके इक्वल होगा, है कि नहीं। दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे, मतलब पहला सर्कल ऐसा फिर दूसरा सर्कल ऐसा, थोड़ा सा मैं आपको विजुलाइज करा देता हूँ। देखो पहला सर्कल आपने ड्रॉ किया, फिर इसका सेंटर यहाँ पे था, तो दूसरा सर्कल भी वहीं से बना, ध्यान से देखो उसके सेंटर से पास हुआ, और दूसरा सर्कल उसके सेंटर से यूं पास हुआ कि उसके सर्कल का सेंटर भी वहीं आ गया, ठीक है। तो इनके बीच के डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा वो पता करना है। तो मैं एक जादू दिखाता हूँ, मैं एक सर्कल मिटा देता हूँ, बताओ क्या दिख रहा है, अरे ये तो रेडियस ही है, जी हाँ 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन है बी वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वाले में बोला है देखो सर्कल कभी भी अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स को टच करता है तो वो वन एंड ओनली सिर्फ रॉम्बस है, और कोई किसी को नहीं टच करता है, वो सिर्फ और सिर्फ रॉम्बस की चारों साइड्स को टच कर सकता है, याद कर लो। सो बी वाला करेक्ट है। फिर बोला लेंथ ऑफ अ टेंजेंट सेगमेंट, ठीक है, सपोज देयर इज अ सर्कल सेंटर, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट जहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और ये पॉइंट सर्कल से 12.5 सेंटीमीटर दूर है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो पता करना है सर्कल का रेडियस कितना होगा, तो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होते हैं तो 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है कि नहीं। 90 के सामने हाइपोटेनस, ए सी स्क्वायर मतलब 12.5 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मतलब पता नहीं, बी सी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो ए बी की वैल्यू मिलेगी 3.5, तो ए बी क्या है आपका रेडियस है, हमें क्या फाइंड करना है डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा रेडियस का डबल, रेडियस आया 3.5 तो डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस, मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा डायरेक्टली, समझ गए। यहाँ पे बोले दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब एक सर्कल यहाँ है एक सर्कल यहाँ, ये एक्सटर्नली टच कर रहे एक दूसरे को, तो कितने कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट यहाँ जहां पे टच कर रहे वहीं से पास करा दो, एक टेंजेंट यहाँ और एक टेंजेंट यहाँ, ठीक है, तो तीन कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, पीछे आंसर गलत है। फिर बोला एंगल एसीबी, ये छठा क्वेश्चन जो था ये 2019 बोर्ड एग्जाम में आया था और 50% स्टूडेंट्स इसको गलत करके आए थे, कैसे गलत किया था बताता हूँ आपको, इसको भी जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा था ना तो हम लोगों ने भी गलत सोच लिया था, इसका आंसर हम लोगों ने भी गलत सोच लिया था जब फर्स्ट टाइम देखा था, लेकिन पीछे आंसर देखा तो ऐसा लगा आंसर गलत तो नहीं है, लेकिन जब इसको अच्छे से सॉल्व किया तब समझ में आया अच्छा ये था। चलो आपको भी बता देता हूँ क्या, तो यहाँ पे बोला है एंगल एसीबी इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल, मतलब यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, दैट इज एसीबी, एसीबी इस इंस्क्राइब्ड एंगल का जो थीटा है वो 65 डिग्री है, तो आपको पता करना है आर के सी बी, मेजर आर के सी बी पता करना है, स्टूडेंट्स ने गलती क्या की, उन्होंने मेजर आर के बी पता कर लिया, बट पता क्या करना था, ए सी बी पता करना था, तो
ये 65 है तो इंस्क्राइब्ड एंगल के हिसाब से ये 130 होगा, टोटल 360 का होता है, तो उसमें से 130 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा 230 डिग्री। खत्म, बच्चों ने 130 लिख दिया था, डी वाला आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट वाला रिड्यूस्ड सिलेबस पर बेस्ड है, बट फिर भी देखो, देखना ही पड़ेगा, स्किप मत कर देना। आई कांट डू एनीथिंग, जो करना है वो करो। इसमें आपको बोला है कि AE अगर 5.6 है और फिर EB अगर 10 है और CE 8 है तो पता करो ED कितना होगा। तो थ्योरम क्या कहता है, AE into EB will be equal to CE into ED, ठीक है, मतलब 5.6 into 10 will be equal to 8 into ED, तो 5.6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 56, 8 नीचे आएगा तो ED की वैल्यू आ जाएगी 7। खत्म, कौन सा आंसर करेक्ट है, पहला वाला, ए वाला करेक्ट है। फिर बोले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत तगड़ा डाउट रहते हैं, देखो आज मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल्स ए, मतलब ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए इज मतलब इक्वल थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल सी, ऐसा आपको बोला है, और ये दोनों अपोजिट एंगल्स है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे या तो मैं इसको एंगल ए ही बना लूं या तो एंगल सी ही बना लूं, कैसे, 2 को वहां भेज के, तो अगर मैं 2 को वहां भेजता हूं तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 3/2 ऑफ एंगल सी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 ऑफ एंगल सी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180, नीचे 2 है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 ऑफ एंगल सी प्लस डबल ऑफ एंगल सी विल बी इक्वल टू 360, 2 से ये भी तो होगा, ये हो जाएगा 5 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 360, तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 72 डिग्री, ऐसे एंगल सी की वैल्यू 72 डिग्री आ जाएगी, बी वाला आपका करेक्ट है। फिर यहाँ पे बोले दो आर्क आपके इक्वल है, मेजर आर्क ए बी जो है वो मेजर आर्क बी सी के इक्वल है, ठीक है, और दोनों की ही वैल्यू 120 डिग्री है, तो अगर मैं एक सर्कल बनाऊं यहाँ पे कुछ ऐसा मैं बनाऊं, ठीक है, तो मेजर आर्क ए बी सी, इसमें क्या बोले, बोले ए बी 120 है, मतलब ये कितना है, ये 120 है, तो इसके सामने वाला इंस्क्राइब्ड होगा तो ये कितना होगा 60 डिग्री। फिर बी सी, बी सी ठीक है, मतलब ये कितना है, ये भी 120 है, तो इसके सामने वाला इंस्क्राइब्ड होके ये भी 60 हो जाएगा, दोनों 120 है, टोटल 360 होता है, 360 में से इन दोनों को ऐड करो मतलब 240, 360 में से 240 माइनस करो दोबारा 120 बचेगा, तो ये भी 120 है, इसके सामने कौन है, इसके सामने ये, मतलब ये भी 60 डिग्री है। कौन सा ट्रायंगल है जिसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, जी हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, जाने दो रफ कर दो फिर वो बताता हूं। क्वेश्चन नंबर लास्ट में बोले एक्स जेड इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है जिसका डायमीटर है एक्स जेड, पॉइंट टी लाइज इनसाइड द सर्कल, वाई वाई पॉइंट वाई लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो पता करो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर इसको मैं ध्यान से देखो, अच्छा अगर एंगल वाई यहाँ पे होता, आर्क पे होता, तो ये एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल हो जाता, तो वो 90 डिग्री होता, ठीक है, 90 डिग्री होता मतलब, ठीक है, तो और ऊपर जाता, अगर 90 से आगे जाता तो वो कम होते जाता, सॉरी ज्यादा होते जाता, सॉरी कम होते जाता, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने एक प्रूफ देखा, पॉइंट टी थोड़ा सा आगे था वो 90 से कम था, तो जितना ज्यादा ये ऊपर जाएगा उतना कम होते जाएगा, सपोज ये यहाँ चला गया कम हो गया, और ऊपर चला गया और कम हो गया, और ऊपर चला गया और कम हो गया, मेजर कर लो डी से, कम होते जा रहा है, और जितना नीचे आएगा उतना ज्यादा होते जाएगा, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये कम से कम 170 डिग्री का होगा अगर मेजर करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो इंटीरियर में है वाई वो क्या है, ऑप्टिव एंगल है, क्या ये ऑप्टिव एंगल है। अब देखते कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, पहले मैं बोला इट नॉट पॉसिबल दैट एक्स वाई जेड इज एन एक्यूट एंगल, मतलब ये संभव नहीं है कि एक्स वाई जेड एक्यूट हो, बिल्कुल सही है क्योंकि ये तो ऑप्टिव है। फिर बोला एक्स वाई जेड कांट बी अ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो ऑप्टिव है। फिर बोला एक्स वाई जेड इज एन ऑप्टिव एंगल, बिल्कुल सही बोला, ये तो ऑप्टिव है, तो तीनों करेक्ट है। चौथा क्या बोला, कांट मेक अ डेफिनेट स्टेटमेंट, अरे हाँ बहुत बढ़िया स्टेटमेंट हम लोगों ने बना दी, ठीक है, तो ऑनली थ्री ऑप्शन किधर है, सी में है, तो सी वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा सर्कल का वन शॉट खत्म होता है, काफी परिश्रम करना पड़ा सर्कल के वन शॉट को कंप्लीट करने के लिए। प्रॉब्लम सेट में 25 क्वेश्चन है, आप मेरा प्रॉब्लम सेट वाला वीडियो देख सकते हैं, इसके लिए इसमें ही कराना चाहता था बट टाइम ज्यादा लग जाता, ठीक है, दैट्स व्हाई आई डिड इन दैट, बट प्रैक्टिस सेट भी हो गया, वो भी बड़ी बात है, काफी हार्ड लगता है सर्कल चैप्टर आप सभी को, बट आई होप कि आप लोगों को क्लियरली समझा होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट, बिकॉज पाइथागोरस का ऑलरेडी अवेलेबल है और ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ऐसी चीज नहीं है जिसका वन शॉट दिया जाए, ठीक है, क्या जरूरत है उसमें वन शॉट देने की, फिर भी कोशिश करेंगे।
फिलहाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अवेलेबल है तो उसको, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम का अवेलेबल है तो उसको आप तब तक रिफर करिए। मैं पाइथागोरस का नया वन शॉट रेडी करूंगा और कंस्ट्रक्शन का भी मौका मिला तो बनाऊंगा, बट पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बना रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारा फाइनली वन शॉट खत्म और मैथ वन का चैलेंजिंग प्लस वन शॉट दोनों खत्म। फिर मैं आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चंस लेकर आऊंगा फरवरी में मैथ 2 के, और टेस्ट सीरीज भी आपकी जारी रहेगी फरवरी में। थैंक यू सो मच।